इस जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कपन नहीं होता। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के सूरवीरों, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिल खोलकर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिख रहा है बिल्कुल कि ट्रेनिंग सेंटर आ गई है लिस्ट, बिल्कुल किस यारों की लिस्ट है उसके बारे में बताएंगे। साथ ही में बात करेंगे मां बापू तेरा बेटा फौजी बन गया है बिल्कुल। इसी के साथ कि मैं ये आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अभी तक इस यारों के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है लार्डो, उससे पहले आपके ये जोनिंग लेटर वाली जो लिस्ट है, आपके एआरओ सेंटर वाली लिस्ट है वो आ चुकी है। ट्रेनिंग सेंटर कौन कौन सा आपका सेंटर दिया गया वो लिस्ट है आ चुकी है बिल्कुल। इस वीडियो में अपन बात करेंगे, ठीक है, किस एआरओ की आई है, कितने बच्चों की आई है, पूरी बात करेंगे बिल्कुल। अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि इस एआरओ के अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज ही स्टार्ट हुए हैं बिल्कुल, और आज स्टार्ट होते होते सभी के एआरओ की जिस लिस्ट आ गई, जिनका कल डॉक्यूमेंट होगा परसों होगा, उनकी भी पहले लिस्ट आ चुकी है बिल्कुल। सारी बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही में इसके साथ एक चीज और बताएंगे कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वहां पे चाहिए और क्या मिस्टेक हो रही है। एक डॉक्यूमेंट के वहां पे थोड़ी सी दिक्कत है, वो आपको मैं बता देता हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट थोड़ा सा चेंज है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि बच्चे बार बार वहां पे फंस रहे हैं बिल्कुल। एक अलग ही चीज है, वो चीज आप जरूर देखना वीडियो के अंत में, आपको वो बताऊंगा कि वो अलग क्या चीज है। हर एआरओ से एक अलग चीज देखने को मिली, मैंने अभी तक वो चीज पहले नजर में नहीं आई थी पर आज वो देखने को मिली मेरे को, ठीक है, तो वो चीज आपका उससे ध्यान में रखना। पहले मैं आपको ये लिस्ट दिखा देता हूं, ठीक है, यह रही आपकी लिस्ट है, ठीक है। हम बात करें आपके एआरओ अहमदाबाद की, किसकी बात करें गुरु जी, एआरओ अहमदाबाद की बात कर रहे हैं, एआरओ अहमदाबाद की ये आपकी ट्रेनिंग सेंटर लिस्ट आ गई, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है कि आपका कौन सा सेंटर रहेगा, जबकि ये लिस्ट पहले ही आ चुकी है बिल्कुल। ये लिस्ट सिर्फ और सिर्फ हम बता रहे हैं आपको, ठीक है बिल्कुल, देखा आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे आपको आरएमडीएस नंबर है, ठीक है, आपका नाम है, आपका रोल नंबर है, फिर आपका जैसे को नाम देखने को मिल रहा है, ठीक है बिल्कुल। जैसे माची तुरस्करा करिया आरटी सेंटर एनआरसी एएमसी सेंटर लखनऊ, ठीक है, फर्स्ट एसटी आपके जबलपुर, डबल ए क्रॉस सेंटर गोपालपुर, ठीक है बिल्कुल। यहां पे देखो आपको पूरी लिस्ट है देखने को मिल रही है, एआरटी सेंटर एनआरसी पूरी लिस्ट है आपको बिल्कुल, जिसको भी देखना, टू एसटीसी पनी गोवा आरटी सेंटर एनआरसी सारे आपके यहां पे देखने को मिले, राजपूत सेंटर सारे के सारे आपको सेंटर देखने को मिले बिल्कुल। दूसरी ओर पीडीएफ दिखा देते हैं बिल्कुल, यहां पे देखो 11-25-30-97 पीयू जीआई गुजरात अहमदाबाद एबीसीडी 20-23-104-271 ठाकुर विप कुमार सोमजी एएससी सेंटर नंबर फर्स्ट बैंगलोर, देखो यहाँ पे पूरी सब बच्चों की लिस्ट है। जिसको भी ये लिस्ट चाहिए बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत बता दिया जाएगा। शादी में आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट है वो भी आपको मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी गुरु जी, वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, कहाँ पे, टेलीग्राम पे, कोई सा भी सेंटर आपको बिल्कुल नहीं, कोई सा आरओ आपको सभी आरओ के जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है वो अभी बता दिया जाएगा बिल्कुल। टेलीग्राम चैनल आपको जी यू आर यू के यू एल गुरुकुल आर्मी, गुरुकुल आर्मी बाई ठीक है सर, ये टेलीग्राम चैनल का नंबर है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ये नाम है, ये आप सर्च कर लेना और ये सर्च करके आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल गुरुकुल आर्मी बाई डी के सर, जी यू आर यू के यू एल ए आर एम वाई बी वाई डी के एस आई आर डी के सर, ये आपका टेलीग्राम चैनल, यहां पे आपको हर पीडीएफ मिल जाएगी सभी बच्चों के, ठीक है। देखो यहां पे भी लिस्ट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है बिल्कुल, सब काम मिल रहा है यहां पे बिल्कुल, देख लेना आप चाहिए। आरटी सेंटर एनआरसी महाराज गेट सेंटर संगोर एमपी मेरिट लाइट एनआईपीसी सेंटर बेलगाम आरटी सेंटर एनआरसी बीडी ऑफ द गार्ड्स रेज सेंटर कंपेटी आरटी सेंटर एनआरसी पूरी लिस्ट आपको देखने को यहां पे मिल रही है, फर्स्ट एसटीसी जबलपुर फिर औरंगाबाद क्रॉस सेंटर सारे के सारे आपकी बीडी ऑफ द गवर्नेंस आरटी सेंटर पूरा देखने को आपको यहां पे मिल रहा है, देख लो बिल्कुल यहां पे देख सकते हो, फर्स्ट जबलपुर बैग एंड सेंटर रुड़की
पूरे आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। बिल्कुल ये सारी की सारी आप जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए उनको सबको यहाँ पे आरटी सेंटर आपका नाम पता पूरे रोल नंबर और आईडेंस नंबर टोकन नंबर पूरे सबको आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आप आराम से देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल फिर से आपको मैं बता देता हूँ, गुरुकुल आर्मी बाई डीकेएस सर, ठीक है। बिल्कुल इस पे आप ज्वाइन कर लीजिए और अपना एआरओ जो भी है एआरओ से देख के आपको वहां पे अपना जो सेंटर है वो सेंटर देखने को मिल जाएगी कि आपको ज्वाइनिंग सेंटर है कौन सा सेंटर मिलने वाला है, ठीक है। अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है फिर भी आपको पहले बता दिया जाएगा। बिल्कुल आर्मी को पूर्णतः समर्पित आपका चैनल गुरुकुल आर्मी और टेलीग्राम चैनल है गुरुकुल आर्मी बाई डीके सर, बिल्कुल सेवा में तत्पर हाजिर रहेंगे। अब साथ ही मैं आपको बता दें, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको एक चीज वहां पे थोड़ी सी अलग देखने को मिल रही है। वो अलग क्या है वो मैं आपको बता देता हूं गुरुजी। वो गुरुजी देखो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके सामने दिख रही है। बिल्कुल सर, इसमें एक चीज थोड़ी सी मुझे अलग दिखी, वो आप सभी देख लेना, ठीक है। बिल्कुल सर, मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे देखने को मिल रहा है, जैसा कि यहां पे देखो पहले सबसे बातें बात करते हैं। 16 पासपोर्ट साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपको 16 फोटो लेके जानी है, ठीक है। साथ ही में यह तो ठीक है, दूसरे एरो में तो 20 फोटो मंगाई थी, यहां पे 16 है, बाकी सब लगभग सेम है। बैंक अकाउंट कॉपी ऑफ जो रिटर्न कार्ड है, फादर जो आपके अगर पिताजी अगर डेथ हुई है तो आपके डेथ सर्टिफिकेट ले जाना है पापा का, अन्यथा आपके पापा का आधार कार्ड तो ले जाना ही है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो है कि 3 जॉइंट फोटोग्राफी विद फैमिली मेंबर्स, यानी कि 3 फोटो ले जानी है अपनी जॉइंट फोटोग्राफी फैमिली, यानी पूरे परिवार के साथ आपको अपना जो परिवार है फैमिली उसके साथ 3 फोटो आपको खिंचवानी है, वो साथ में लेके जानी, यानी संयुक्त फोटो एक, ठीक है। साथ ही में फोटोग्राफी ऑफ आधार कार्ड ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स, यानी कि जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं उनके सबकी आधार कार्ड की आपको फोटो लेके जानी है, ठीक है। सेलेक्टेड कैंडिडेट फेल टू रिपोर्ट ऑन द डिटेल्स गिवन बी पार्ट 2 अबाउट डॉक्यूमेंट इज गिवन पार्ट 3 अबव विल बी लेबल एक कंसलेशन ऑफ देयर कैंडिडेट, ठीक है। बिल्कुल, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट वैसे के वैसे एनसीसी सपोर्ट जो भी आपके स्किल स्कूल के हैं सारे के सारे आधार कार्ड सारे डॉक्यूमेंट आपको वहां पे मिल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। बिल्कुल सर, डॉक्यूमेंट में देख लेना, और जिसको भी ये लिस्ट चेक करनी है कि आपका एआरओ कौन सा है, जिस बच्चे का सिलेक्शन हो गया है और इसको ये पता करना है कि गुरुजी हमारा सेंटर तो बता दीजिए कि हमें कौन सा सेंटर मिला है, बिल्कुल आपके लिए एक खुशखबरी है, आपका सेंटर आपके सामने है। बिल्कुल, कोई सा भी बंदा सिलेक्ट हुआ है मैसेज कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए अपना, तुरंत आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अभी आपने आपको 4 या 5 लिस्टें दिखाई, जबकि हमारे जितने भी आपके बच्चे वहां से सिलेक्ट हुए हैं आपके अहमदाबाद से गुजरात से सारे के सारे लिस्ट हमारे सामने है। जैसे जिसको भी आपको सर्च करना है जिसको भी आपको पता करना है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, और जैसे हमारे पास और नई सूचना आएगी हम आपके साथ लाइव आ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, इसी बीच आपके डीके सर को इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे वापस। जय हिंद, जय भारत।